जहां आज पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी का दौर चल रहा है और भारत वर्ष में इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं के तहत गरीब एवं असहाय लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इन योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आदेश जारी किए गए कि महामारी के दौर में बच्चों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए। इसी बीच नरियावली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली मुडरा जरुआ खेड़ा पंचायत में वार्ड क्रमांक 8 में संचालित आंगनवाड़ी एवं समूह संचालक द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आंगनवाड़ी में भ्रष्टाचार चरम पर है एवं सभी कार्यकर्ताओं की मिली भगत से बच्चों के लिए गुणवत्ताहीन कच्चे आटे के लड्डू का वितरण किया जा रहा है, जिन्हें बच्चों के अभिभावकों ने लेने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में बच्चों के अभिभावकों से जब जानकारी जुटाई तो बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि आंगनवाड़ी एवं समूह कार्यकर्ताओं द्वारा पिछली बार बांटे गए कच्चे आटे के लड्डुओं के कारण कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें पेट दर्द और उल्टी एवं दस्त की शिकायत हुई थी। आज फिर आंगनवाड़ी एवं समूह कार्यकर्ताओं द्वारा उसी प्रकार के गुणवत्ताहीन कच्चे आटे के लड्डू बांटे जा रहे थे। नाम बताओ दीदी आप? अच्छा, ये कौन सी आंगनवाड़ी है? नहीं, वार्ड नंबर कितना है? 8। अच्छा, तो ये कौन मतलब लड्डू बांटने कौन आया था? मीना मैडम। अच्छा, नाम क्या है उनका? मीना पाठक। मीना पाठक, तो क्या पहले जब आपके पास लड्डू देके गए थे तो मतलब क्या दिक्कत हो गई थी उस लड्डू में? बच्चे के लिए दस्त लगे 3 दिन। 3 दिन, अच्छा, और अभी फिर लड्डू लेके आए हैं तो इनमें क्या दिक्कत है? अभी हम लोगों ने लिए। अच्छा, फिर वो ही वैसे की वैसे लड्डू नहीं लिए हम लोगों ने। ठीक है, आप ना इनको एक पनी में दे दो आप, है ना, तो अपन इनको। ठीक है, बताओ कौन कौन? हाँ, चन्ना हरवाल है वो। हाँ, तो कौन सी ग्राम पंचायत है? कौन से मोड़ का लड़ू आपकी? अच्छा, जो आंगनवाड़ी कौन से वार्ड में लगा था? 8 नंबर। 8 नंबर वार्ड में। तो अच्छा, किन के द्वारा मतलब ये लड्डू बांटे गए? डब्बू पत्रकार। नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं वगैरह के द्वारा बांटे गए के कोई? मीना पाठक, है ना, इन लोगों के द्वारा। अच्छा, जो मतलब आंगनबाड़ी में बढ़ने के लिए आया था इरा, है ना, तो ये कैसे हैं, खाने लायक नहीं है क्या? आपने खाए हैं? अब खाने लायक होते तो हम बांटने जान देते बच्चों को, बांट दो सबको, हम इन्हें तो कहा कर देखो। ठीक है, कहाँ लगवाए फिर बताओ, अस्पताल है, खुली नहीं है सब। हाँ, रोशनी। तो ये आंगन कौन सी आंगनबाड़ी है आपकी? 8 नंबर। तो यहाँ मोहल्ला में सभी बच्चों को बांटेगा कि ऐसे लड्डू? तो ये कैसे हैं लड्डू? कच्चे हैं। अच्छा, इसलिए अभिभावकों ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। वहीं अभिभावकों ने बताया कि अगर हमारे बच्चे इस तरह की खाद्य सामग्री का सेवन करेंगे तो इनके स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन होगा, साथ ही इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। न्यूज इंडिया NIN जरुआ खेड़ा से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।